विक्रम बजरंगी सुमत दिवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा आज वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर निवेदन करूंगा अपने मुख्य यजमान श्री प्रेमा सिंह जी से, वो मंच पर आए भागवत भगवान का पूजन करें। जय श्री हरि। ओम इदं विष्णुर्भि चक्रमे त्रेधानि दधे पदम
समूलमस्य पाकुं सूरे स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री कृष्णचंद्राय नमः। हरिः ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं। गंधं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां ओमाखदीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः प्रसोवरीः अश्वाइव सजितपरिभिरुदः पारयिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्मभ्यामोऽवतस्य दितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनयाभिभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदस्य नाकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च माता भयभट्टनाथ श्रीभक्तिशारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्म नित्यम् गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदान् शेषान् नरपति परिक्लिष्टं शुल्कमादातु कामा ससुरममरबन्धं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाञ्चार्यान् शेषान् गुरुम् श्रीमल्लक्ष्मणयोगी पुङ्गव महापूर्णौ मुनिव्यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्देशिणं सेने सन्द्रियमिन्दिरासचरं नारायणं सन्द्रये वेदान्तदेशिककटाक्षविविधभूतं कान्तोपयन्तयमिला करुणैकपात्रम् वत्सन्नवाय मनवद्य गुणैरुपेतं वक्त्रा भजामि परभक्तिभयङ्करार्यं साण्डिल्याभयवंसवारितविदुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुसं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामविदुषा मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयान्नित्यश्रीनित्यमङ्गलं मङ्गलमियतिराजाय श्रीवास्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे बाधिभीतिकराय नित्यश्रीनित्यमङ्गलं जयत्यतिरार्पणिराजवतारमणि प्रबलपाषण्डतमोहरणमानो विजयी भव
विजयी भव आरती बाले कृष्ण की कीजे आरती बाले कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की यज्ञन को तारो बाबा की यज्ञन को तारो कोपिल के प्राणन सो सो प्यारो इले पर प्राण निछावर कीजे इले पर प्राण निछावर कीजे आरती बाले कृष्ण की कीजे आरती बाले कृष्ण की कीजे बलिदाऊ को छोटो भैया बलिदाऊ को छोटो भैया कलुआ कहीं कहीं बोलती मैया कलुआ कहीं कहीं बोलती मैया परम मुदित मन परम मुदित मन लेते बलैया इले को सर बस कर पर कीजे इले को सर बस कर पर कीजे आरती बाले कृष्ण की कीजे आरती बाले कृष्ण की ओ तेरी बोलनी मधुर सुहावे तो तेरी बोलनी मधुर सुहावे सकल संगी थे लत सुख पावे सकल संग थे लत सुख पावे सोई प्रकृति जो इनको ध्यावे सोई प्रकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो पर लीजे अब इनको अपनो पर लीजे आरती बाले कृष्ण की कीजे आरती बाले कृष्ण की कीजे श्री राधा बरे कुंवर कलैया श्री राधा जन को नव नीति की भैया ब्रज जन को नव नीति की भैया देखत ही मन नीति चुनैया देखत ही मन नीति चुनैया ये छवि कीजे अपनो जन्म सुफल
कर लीजे अब नो जन्म सुपर कर लीजे आरती दीपा बन पुराने की आरती दीपा बन पुराने की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं आरार्तिक ग्रहणं पुष्पै देवाभिवंदनम् हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रदवान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचंद्राय नमः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय अखंड भारत वर्ष की जय श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की जय श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आए सभी श्रद्धालु भक्तों को सादर जय श्री राधे। मंच पर मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा हम सब लोग श्रवण करें इससे पूर्व मैं कुछ महानुभावों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम आचार्य श्री गिरिजा शंकर मिश्र जी जो बरेली से पधारे हैं मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर व्यास श्री बाल व्यास जी आपसे भी निवेदन आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। श्री अशोक दुबे जी जो जौनपुर से पधारे हैं मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ आप मंच पर आकर सपत्नीक मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री श्याम देव सिंह जी मैं आपसे भी निवेदन करता हूं आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ओम प्रकाश वर्मा जी जो दिल्ली से पधारे हैं मैं आपसे भी निवेदन करता हूं आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ताड़केश्वर प्रसाद मिश्रा जी मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कमला शंकर मिश्र जी आपसे भी निवेदन आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामदेव सिंह जी आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। श्री कृष्ण देव सिंह जी आप भी मंच पर आए पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री वीरेंद्र सिंह जी आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। श्री लखन सिंह जी आपसे भी निवेदन आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रेम शंकर मिश्र जी
श्री प्रेम शंकर मिश्र जी आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। ओम दत्त त्रिपाठी जी, ओम दत्त त्रिपाठी जी आपसे निवेदन, आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। और अब मैं निवेदन करूंगा भैया पवन पांडे जी से, आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में पूर्व न्यायाधीश श्री लालता प्रसाद पांडे जी, आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट करें। आइए इस क्रम को यहीं पर विश्राम देते हुए पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हैं। हम सबको भगवान की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। नारायण, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की जय, जय श्री राधे। हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्युद्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुततातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेसार्जकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्यासहायाः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय अखंड भारत वर्ष की जय जय श्री राधे भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं 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 प्रभु भजन बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार बिना भव पार नहीं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्त वांछा कल्पतरु आवाज जो भमक रही इसको कम करो भैया, तो यूको फोको कम करो। भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान श्री प्रेमा सिंह जी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, मिर्जापुर से पधारे सभी श्रद्धालु भक्तगण, श्री पुष्पराज गिरी जी जिनकी सत्प्रेरणा से, जिनके प्रयास से यह पवित्र कार्यक्रम श्री धाम वृंदावन में धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। सुदूर रह करके भी इस विषम परिस्थिति में मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस कथा को श्री पुष्पराज जी भी और उनकी श्रीमती जी भी श्रवण कर रही हैं, उनके लिए मंगल कामना आशीर्वाद। इस कथा में पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ये कथा स्वयं भगवान ही है, व्यवहार में कहने के लिए, समझने के लिए भगवान और भगवान की कथा ऐसा कहा जाता है। यथार्थ में भगवान ही भगवान की कथा है। तत्वतः कथा में और भगवान में भेद नहीं है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम्। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम्। तो भगवान की ये जो लीला हम श्रवण करते हैं, ये शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे कर्ण कुहरों में प्रवेश करते हैं और हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। जैसे समुद्र के तट पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और कहे, ये देखो ये समुद्र की लहर है, ये समुद्र की तरंग है, ये समुद्र का रंग है, ये समुद्र का जल है और ये समुद्र है। कहने के लिए बातें चार हैं लेकिन समुद्र ही तो है। तरंग भी समुद्र से भिन्न नहीं है, समुद्र में ही तरंग है और तरंग भी समुद्र ही है, और समुद्र का जल क्या है, बोले वो समुद्र ही है, उससे अलग नहीं। उसी प्रकार भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये सब उस आनंद सिंधु की भिन्न भिन्न तरंगे हैं। जैसे समुद्र में अनेक तरंगे उठती रहती हैं, उसी प्रकार उस अनंत आनंद सिंधु की जो तरंगे हैं, वही नाम, रूप, लीला, धाम, इन रूपों में भक्त अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये पावन प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। तो भैया यू को कम कर दो, साफ कर दो आवाज को। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, तुमने भगवान वासुदेव के विषय में प्रश्न किया, श्री वासुदेव भगवान के विषय में पूछा। भगवान वासुदेव की कथा के संदर्भ में जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उस प्रश्न के उत्तर से तीन लोग पवित्र हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही। भगवान वासुदेव की कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर पुरुषान त्रीणि पुनाति ही, तीन पुरुष पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलं यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है जो उत्तर देता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है और उस पूछने वाले के पीछे जो सुनने वाले हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलं यथा। ये कथा गंगा तीन लोगों को पवित्र कर देती है। जैसे भगवान के पादारविंद से प्रकट होने वाली पुण्य सलिला गंगा तीन लोगों को पवित्र कर देती हैं, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा तीन लोगों को पवित्र कर देती है। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलं यथा। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में श्री नंद बाबा ने महान उत्सव मनाया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिर अलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, नांदी मुख श्राद्ध किया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। इस अवसर पर नंद बाबा जी ने अपने परिजनों को, पुरजनों को, आए हुए भक्तों को, प्रेमियों को खूब उपहार भेंट किया, ब्राह्मणों को दान किया। कितना दान किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं लाखों गायों का दान किया नंद बाबा ने। धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। सुंदर अलंकृत गायों को, गायों की पीठ पर सुंदर दुशाला उड़ाकर, गायों के खुर को चांदी से मंडित कराकर, गाय की सींग को स्वर्ण से मंडित कराकर के, गायों के गले में सुंदर मुक्ता की माला पहनाकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान। तिल के सुंदर सात पर्वत बनाए और उन पर्वतों के ऊपर हीरे पन्ने पोखराज वैदूर्य अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के सुंदर सात पर्वत का दान किया नंद बाबा ने। और भी जितने भक्त प्रेमी आए थे उनको वस्त्र आभूषण इत्यादि अनेक अनेक वस्तुओं का दान किया। नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ। दूर दूर की गांव गांव की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, नंद बाबा गोपों के मुखिया हैं, सरदार हैं, मुखिया के घर में, हमारे राजा के घर में उत्सव है, प्रसन्नता है, यह सुनकर गोपांगनाएं बधाई देने के लिए नंद भवन की ओर चल पड़ी। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया, अजियासास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को निकाला, कड़े छड़े बाजू बंद
सब धारण किए, अनेक अनेक प्रकार के सुंदर चित्र विचित्र वस्त्रों को धारण किया, उपहार की सामग्री ले ली, थाली में चंदन अक्षत पुष्प दधि दूर्वा इन मांगलिक द्रव्यों को लिया और भगवान का गुणगान करती हुई गोपांगनाएं नंद भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गोप्य सुमृष्टमणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरापथि शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्बिरेजुर्व्यालोलकुंडल पयोधरहार शोभा। बड़ा दिव्य श्रृंगार किया गोपांगनाओं ने और मांगलिक द्रव्यों को लेकर नंद भवन की ओर चल पड़ी और नंद बाबा के द्वार पर पहुँच करके गोपियों ने नंद बाबा को यशोदा रानी को बधाई दिया। क्या बधाई दिया? गोपियों ने कहा कि ता आशिष प्रयुंजानाश्चिरं पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, ये सदा स्वस्थ रहे और दीर्घ काल तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करता रहे। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। और प्रसन्नता में उत्साह में एक दूसरे के ऊपर गोपाल बालों ने गोपियों ने हल्दी फेंकना शुरू कर दिया, दही फेंकना शुरू कर दिया, जिसके पास जो वस्तु थी वो फेंकने लगे, लुटाने लगे। परिणाम बोले नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया हमारा। ऐसा अद्भुत उत्सव हुआ कि इस उत्सव को देखने के लिए देवता लोग भी आकाश में प्रकट हो गए। देवता पुष्प की वर्षा करते और नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ, नंदोत्सव। सब ने यही कहा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर में आनंद प्रकट हुए। इस आनंद का आप क्या वर्णन किया जाए? एक तो ये वृंदावन धाम ही आनंद है। ये वृंदावन धाम मथुरा मंडल ये स्वयं सच्चिदानंद का स्वरूप है। यहां पर जो प्राणी आ जाए वो भी सच्चिदानंद ही हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। जैसे सांभर की झील में सेंधा नमक की जो झील है, उस झील में पत्थर फेंक दो, लोहा फेंक दो, आदमी को फेंक दो, सब नमक बन जाए। क्यों? बोले उस झील की विशेषता ही है, वहां जो वस्तु जाएगी सब गल करके नमक बन जाएगी। जैसे सांभर की झील में लकड़ी लोहा कोई भी वस्तु पड़ जाए तो वो अंत में नमक बन जाती है, उसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन ऐसा अद्भुत भूमंडल का भाग है जहाँ पर कोई भी प्राणी आवे तो सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुः आनंद सच्चित घनता मुपैति। यहाँ प्रविष्ट होते ही जीव सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। तो ये धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप, यहाँ जो प्रकट हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप, और उन गोपों के जो अधिपति हैं नंद बाबा वो कौन है? बोले उनका नाम ही नंद है। नंद का मतलब ही आनंद होता है। और एक नंद नहीं है महाराज, नंद बाबा नौ भाई हैं, नौ नंद हैं। नंद आनंद धरानंद सदानंद ये सब नंद बाबा के भाई लोग हैं। नव नंद, नव का मतलब पूर्ण संख्या, माने पूर्ण आनंद जहां विद्यमान है। और ऐसे आनंद के घर में प्रकट कौन हुए? बोले सच्चिदानंद। अब आप बताओ आनंद की क्या कमी रहेगी? यही बात हमारी अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज क्या कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान प्रकट हुए, परम आनंद हुआ और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो देवकी की आठवीं संतान कन्या हुई और कन्या आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस कन्या की बात को अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, कैसे उसका पता लगाया जाए, कैसे उसे समाप्त किया जाए।
ये विचार करने के लिए कंस ने अपने अनुचरों की मीटिंग बुलाई। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, पूतना, ये सब एकत्रित हुए। कंस ने कहा कोई उपाय करना चाहिए, उस शत्रु का पता लगाया जाए। असुरों ने कहा महाराज अगर पता लग जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसको मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, शत्रु का पता नहीं है, कहां वो पैदा हुआ है, किसके घर में पैदा हुआ। असुरों ने कहा महाराज अगर हम लोग पता लगाने के चक्कर में पड़ेंगे और कहीं शत्रु को पता चल गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है तो शत्रु सावधान हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। उसी सभा में पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज एक उपाय है। बोले क्या? बोले आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का होगा। उस कन्या की बात के अनुसार अगर आपका शत्रु कहीं पैदा हुआ होगा तो एक महीने का होगा, तो ऐसा करें कि एक महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार दिया जाए एक तरफ से, उन्हीं बच्चों में आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा पूतना तेरी बात तो बहुत अच्छी है लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी, ये कार्य संभव नहीं। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा ये कार्य आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, माया के द्वारा मैं सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लूंगी और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और घूम घूम करके एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी, दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा अरे पूतना तू तो बड़ी बुद्धिमान है तो ये कार्य तू कब से करेगी? पूतना ने कहा महाराज कल प्रातः काल।